हेलो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेएनसी जॉब रोल के लिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे जो ये दोस्त है अयंतिका जी नाम है उनका, तो देखिए उन्होंने क्या कमेंट की है कि हाय, टुडे आई हैड माय सेकंड इंटरव्यू ऑफ कॉग्निजेंट जेएनसी डेवलपर प्रोफाइल। द इंटरव्यूअर टोल्ड मी दैट इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दिस देयर विल बी दी एचआर राउंड, एंड उनको कोई भी समझ में नहीं आया कि क्या हुए। तो चलिए दोस्तों उनको भी बताते हैं और हम भी देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए मेरे जो ये दोस्त है उन्होंने कॉग्निजेंट की असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट की थी 31 अक्टूबर 2021 को। अगर आपने भी कॉग्निजेंट के 31 अक्टूबर को असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट की है तो आपका रिजल्ट क्या है, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों उसके बाद मेरे इस दोस्त को इंटरव्यू सिलेक्शन का मेल आया 3 नवंबर 2021 को, और फिर उनका डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 10 नवंबर को, और उनको इंटरव्यू शेड्यूलिंग का मेल आया बिफोर इंटरव्यू मीन्स 9 नवंबर को, एंड देन दोस्तों 12 नवंबर को उनका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं उनको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे टेक्निकल राउंड में। तो वो कहती है कि ही आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मीन्स देखिए दोस्तों इंट्रोड्यूस के बारे में उनको पूछा था। वो आगे कहती है गिव टू एप्टी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड आस्क माई डेप्थ आई सेड, मीन्स उनका डिपार्टमेंट पूछा एंड उन्होंने कहा कि ईसी। तो देखिए दोस्तों मेरी जो ये दोस्त है वो ईसीई ब्रांच की स्टूडेंट्स है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों वो आगे कहती है कि टोल्ड मी दैट ही विल आस्क सम कोर क्वेश्चंस, एंड उनको पूछे गए कोर क्वेश्चंस मीन्स आस्क अबाउट रिपीटर्स, देन आस्क अबाउट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, देन व्हाट इज़ दी फोटो डायोड। तो देखिए दोस्तों मेरी जो ये दोस्त है वो थी ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की स्टूडेंट्स, इसके लिए उनको ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आस्क अबाउट सुपर पोजिशन थ्योरम। तो देखिए दोस्तों सुपर पोजिशन थ्योरम अगर आपको पता नहीं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको सुपर पोजिशन थ्योरम एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुपर पोजिशन थ्योरम। उसके बाद दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एंट्रोपी, फिर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आस्क प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड उन्होंने कहा दोस्तों सी लैंग्वेज। उसके बाद उनको पूछा आस्क स्कोप मीन्स, फिर नेक्स्ट पूछा कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। दोस्तों अगर आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स मालूम है तो आपको क्या पता है, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में एंड टोकन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उनको पूछे गए थे। तो दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में, मीन्स उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कौन सी लैंग्वेज में प्रेफरेबल हो, उन्होंने कहा कि सी लैंग्वेज में, और फिर उनको सारे के सारे सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिफरेंस बिटवीन मेलॉक एंड केलॉक, फिर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देखिए दोस्तों कॉल बाय फंक्शन जो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक है, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ बता दीजिए। फिर दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्राइम नंबर का कोड, देन उनको पूछा व्हाई सीटीएस मींस व्हाई कॉग्निजेंट। देखिए दोस्तों अगर आप कॉग्निजेंट में अप्लाई कर रहे हो या फिर अप्लाई किया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आना चाहिए। फिर उनको पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट कॉग्निजेंट, तो देखिए ऑब्वियसली ये लॉजिकल क्वेश्चंस कोई भी पूछेगा। उनको नेक्स्ट पूछा आस्क दैट वेदर आई हैव एनी क्वेश्चन और नॉट एंड एंडेड द इंटरव्यू बाय सेइंग दैट एचआर विल कॉन्टैक्ट यू। तो देखिए दोस्तों उनको इंटरव्यू कंप्लीट हुआ और उनको ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए अगर आपने भी कॉग्निजेंट का इंटरव्यू कंप्लीट किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।